छिंदवाड़ा जिला के चौरई विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रामगढ़ में आज नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। जन अधिकारी सेवा समिति के जिला अध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने बताया कि नेत्र शिविर लगाकर दीन दुखियों के सेवा हर वर्ष हमारे संघ के द्वारा लोगों की सेवा दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से हमारा संघ दीन दुखियों को निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन करके उनके जीवन को अंधकार से उजाला देने का कार्य कर रहा है। अभी 16 दिवसीय नेत्र शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें आंखों से पीड़ित व्यक्तियों को सेवा दी जा रही है। संदीप रघुवंशी ने बताया है कि आज 27 अप्रैल को ग्राम पंचायत रामगढ़ में नेत्र शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन के साथ साथ किसानों की भी समस्या सुनी गई। किसानों ने बताया है कि माचागौरा बांध से नहर के द्वारा हम सभी किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, जिसमें हम 27 गांव के किसान परेशान हैं। इस संबंध में किसानों ने संदीप रघुवंशी को अवगत कराया। आगे संदीप रघुवंशी ने 1008 कनक बिहारी दास जी महाराज और उमेश सक्सेना जी की जीवनी को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित शिव कुमार दुबे, गणेश गौहर, अशोक पंचेश्वर, मिश्रीलाल त्रिकाम, सुनील दुबे, उमाकांत मिश्रा, विभीषण दुबे, प्रयाग सिंह ध्रुवे, लक्ष्मी यादव, ललित सक्सेना, आशीष काकोड़िया आदि उपस्थित रहे। पंचायत रामगढ़ का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें अपना समझकर यहाँ की समस्याएं बताई। तो यहाँ की तीन समस्याएं थी कि एक यहाँ पर तो मोतियाबिंद और अन्य बीमारियों के बहुत सारे मरीज कोरोना के बाद हो गए थे। पहले कोरोना के पहले हमने कैंप लगाया था, उसके बाद बहुत सारे मरीज आज हमको प्राप्त हुए, इसलिए हमने यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था ग्राम पंचायत भवन में। सबसे पहले सरपंच महोदय, जनपद सदस्य जी और हमारे भाजपा नेता शिव कुमार दुबे जी और सभी ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमें बुलाकर शिविर करवाया और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई, सबका स्वागत किया, स्वल्पाहार हुआ, अधिकारीगण को भी बुलाया। जल संसाधन की एक समस्या थी, यहाँ पंप हाउस बनने वाला था और कहा कि अविलंब आज से ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होकर जो मांग रखी है गांव वालों ने, सरपंच ने, हमारे ग्रामवासियों ने, वो शीघ्र ही पंप हाउस का निर्माण भी होगा और पानी भी बहुत जल्दी रामगढ़ के अंदर आएगा। जो पाइप लाइन का काम वो भी पूरा हो जाएगा और जो बजट का सेंक्शन है प्रक्रिया में वो भी पूर्ण हो जाएगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जल संसाधन विभाग का। और तीसरी समस्या थी सड़क की, तो लखना धोन से बड़ी चौड़ी रोड यहाँ पर, यहाँ से होते हुए चौड़ई और हमारे जबलपुर से छिंदवाड़ा हाईवे को जोड़ते हुए पूरा जा रही है। तो ये तीनों सड़क, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा, चारों समस्याओं का आज हल हो रहा है। पांचवी समस्या आंगनवाड़ी की मुझे दिया सरपंच जी ने, तो ये रखी हुई है। सरपंच जी ने हमें आंगनवाड़ी भवन की मांग करी, तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि मैं 2-3 दिन बाद भोपाल जा रहा हूँ, तो प्रभारी मंत्री जी कमल पटेल जी को और संबंधित विभागीय मंत्री महिला बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, मैं उनसे भी भेंट करूँगा। हमारे पूरी जानकारी पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे जी को देकर, पूर्व मंत्री चौधरी जी को देकर और हम सब मिलकर क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए पत्रकार महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ, पंचायती राज चैनल को, जिन्होंने हम सबको इतना सम्मान दिया और ग्रामवासियों ने, किसानों ने खास करके। एक बार NBC न्यूज़ के लिए चौरई से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।